वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लव्ड शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी टाइम से हेडलाइंस में बना हुआ है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इस शो के कई एक्टर्स ने शो को क्विट कर दिया प्रोडक्शन हाउस की वजह से, जिनमें है जेनिफर मिस्त्री बनिसवाल, मोनिका भदौरिया, प्रिया आहूजा और शैलेश लोधा। शैलेश लोधा जो इस शो में तारक मेहता का किरदार निभाते थे, उन्होंने ये शो 2022 में क्विट कर दिया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि एक्टर के पेमेंट ड्यू है जो प्रोड्यूसर असित मोदी पे नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते शैलेश लोधा ने एक लॉ सूट फाइल किया असित मोदी के अगेंस्ट, और आज इस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। और वर्डिक्ट के चलते जो सेटलमेंट सम है 1 करोड़ से ऊपर का, वो असित मोदी को शैलेश लोधा को देना होगा। शैलेश लोधा ने इसी बारे में बात करते हुए कहा था कि जब उन्होंने अपनी पेमेंट मांगी थी तो असित मोदी की टीम ने उन्हें एक पेपर साइन करने के लिए कहा था, अपनी ही पेमेंट लेने के लिए, जिसे उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। और उसमें ऐसे क्लॉजेस थे कि वो इस बारे में कभी मीडिया से बात नहीं कर सकते और ऐसे बहुत से क्लॉजेस। लेकिन अब फाइनली शैलेश लोधा को मिल चुका है एक अच्छा वर्डिक्ट, और उनकी जो पेमेंट बची हुई है असित मोदी के साथ वो पूरी तरह से क्लियर होगी और उन्हें मिलेंगे 1 करोड़ रुपीज़।